थोड़ी सी संस्कृत यूज़ करके अपने बड़े बड़े कांट छुपाए हैं वेलकम ऑन चैनल का आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे वीडियोस के बारे में जो कि मतलब हद होती है हमारे लिए हम सभी के लिए वो शर्म की बात हो गई आपने देखा होगा टिकटॉक पे आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोज़ पोस्ट होते हैं जो कि आपत्तिजनक होते हैं और लोगों को पसंद नहीं आते हैं तो फिर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे दो वीडियो बताऊंगा जिनके अंदर हमारे महाभारत ग्रंथ के बारे में मजाक उड़ाया गया लोगों के अंदर कोरोना से रिलेटेड है गलत है वो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है और उसके अलावा हमारे जो ग्रंथ महान ग्रंथ उसके बारे में जो एक फेमिनिज्म है वो गलत गलत बातें कर रही है आपने देखा होगा कि टिकटोक की वजह से आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है काफी सारे लोग हैं उनकी डेथ भी हुई है अभी कल परसों की बात है एक इन, जो छोटा बच्चा था चार साल का उसने उसकी भी डेथ हो गई जो टिकटॉक पर वीडियो बनाने की वजह से और एक फांसी पर भी लटक गया और उसके अलावा पांच बच्चे थे वो एक नदी के अंदर भी डूब के मर गए इस तरीके से टिकटॉक पर जो है जो लोगों का पागलपन और लोगों का जुनून है वो बढ़ता जा रहा है और लोग लोग हद भी हो गई हमारे धर्म तक को नहीं छोड़ रहे तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या कुछ हो रहा है टिकटॉक के अंदर तो गई पहला वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूं कोरोना से रिलेटेड जो कि टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है तो पहले सबसे पहले ये देखते हैं वे वीडियो सो so गैज आपने ये वीडियो देखा जिसके अंदर ये लड़का है वो कह रहा है कि भैया हमारे इंडिया के अंदर 138 करोड़ है वो पॉपुलेशन है और अगर रोज एक लाख लोग मरते हैं फिर भी सब लोगों को मरने के अंदर लगभग सैंतीस साल लग जाएंगे और तब तक है हम वो डबल हो जाएंगे तो भैया आई थिंक इस पर्सन का जो ये लड़का है इसने पूरी स्टडी नहीं की कोरोना से रिलेटेड क्योंकि हम सभी को पता है कोरोना है वो हर तरीके से फैल रहा है भैया छूने से वगैरह से हर तरीके से अगर भाई एक लाख लोग हैं वो अगर इधर उधर जाते हैं तो कब कितना जो कोरोना फैलेगा और अगर भैया मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ और सभी को पता भी है कि एक इंसान 400 लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकता है तो भैया ये इस तरीके से जो है मतलब अफवाहें फैला रहे हैं मतलब ऐसे लोगों को बोल रहे हैं भैया बिल्कुल डरो मत ना आपको जो करना है करो रोज़ एक लाख मरेंगे होती यार किसी की आप, मतलब आप अगर वीडियो नहीं चले तो कुछ भी मतलब फेक न्यूज़ डाल दोगे कुछ भी कर लोगे लोगों का बेवकूफ बनाओगे जब मैंने देखा था तब मिलियन से भी ज्यादा व्यूज थे जिसके अंदर हमारे महान ग्रंथ महाभारत का मजाक उड़ाया जा रहा है जी हाँ दोस्तों आपने देखा होगा कि मतलब लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं टिकटॉक पर फेमस होने के लिए लेकिन अब तो हद ही हो गई महाभारत का यार मजाक बना दिया तो पहले देखते हैं ये वीडियो अर्जुन पितामह को पानी पिला दो पुत्र पानी तो रोज पीते हैं कुछ तूफानी पिला दो तो अप पिला दो ओके ब्रो आपने ये वीडियो देखा जिसके अंदर लास्ट में मतलब क्या आ रहा है का एक तरह से देख रहे हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो यार हद होती है मतलब आप किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमारे ग्रंथों का पूरा मजाक बना दोगे हमारे जो ग्रंथ है इतने महान ग्रंथ उनके बारे में आप कुछ नहीं सोचोगे और जब मैंने कमेंट्स देखे उस वीडियो के नीचे तो मतलब भाई लोग वो कह रहे कि भाई इस तो जो थम्सअप वाले वो जो पैसे दें और काफी इनको सोप्रिसिएट करें तो यार मेरे ख्याल से यार ये ठीक नहीं है अगर आप भले एडवर्टाइजमेंट कीजिए आपके हिसाब से कीजिए लेकिन किसी भी

Also, kind of <laughs> आपने देखा जिसके अंदर ये एक लड़की है एक फेमिनिज्म है जो कि हमारे जो ग्रंथों के बारे में काफ़ी कुछ भला बुरा कह रही है और यार हद होती है मतलब आप फेमिनिज़्म हो तो फिर इसका मतलब ये तो थोड़ी ना होता है कि मतलब आप किसी भी ऋषि मुनियों के बारे में या फिर किसी भी जो महान जो ग्रंथ हो गया या फिर कोई भी हमारे जो बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह हो गए उसके बारे में आप कुछ भी कहोगे और लोगों के सामने मतलब आप कैसी भी बातें करोगे हंसाने की कोशिश करोगे यार हद होती है मेरे ख्याल से यार ये सब गलत है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए आप एक फेमिनिज्म हो तो फिर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी समझना चाहिए और एक अच्छे तरीके का अच्छे वीडियो और अच्छे विचार और अच्छी चीजें लोगों के साथ शेयर कीजिए इस तरीके से मतलब आप गलत चीजें प्लीज ना बढ़ाएं आई होप कि आपको आज का यह वीडियो पसंद है पसंद है इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि भैया क्या कुछ हो रहा है हमारे ग्रंथों के रिलेटेड जो मजाक बनाया जा रहा है ताकि ये लोग उस वीडियो को रिपोर्ट करें और वो गलत तरीके की वीडियो को जल्दी से हट जाने चाहिए बस इसी उम्मीद में कि आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए खुशिया बद रहिए जय हिंद बंदे Matrão.